विधानसभा चुनावों के बाद अब सांसद अनुराग ठाकुर ने भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की ओर रुख कर लिया है और सांसद अनुराग ठाकुर ने अपने 3 दिनों के संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं से मिलकर आगामी रणनीति तैयार की। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। दौरे के अंतिम दिन हमीरपुर सर्किट हाउस में भी सांसद अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस अवसर पर जन समस्याएं भी सुनी। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार सत्ता में आई है और जनता की हर समस्या को सुलझाने के लिए अब कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ताओं से मिलकर आगामी कामों की रूपरेखा तैयार की जा रही है और इस दौरान लोगों की समस्याओं पर भी विचार कर सुलझाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस सरकार होने के कारण लोगों की समस्याएं अधूरी रह जाती थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार बनने से प्रदेश के वासिंदे खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। वर्षा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता निराश ना हों, केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है तथा क्षेत्र के विकास में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार 5 सालों में विकास कार्य की DPR तक नहीं बना सकी, लेकिन अब विकास कार्य में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में एम्स अस्पताल में 1351 करोड़ रुपए खर्च होंगे तथा देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने में तेजी लाई जाएगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग के माध्यम से प्रत्येक पंचायत को 34 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इससे पहले पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया जिन्होंने घर घर जाकर पार्टी प्रचार प्रसार में काम किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष कुलदीप ठाकुर, प्रभारी अदेशकांत, महामंत्री चतुर सिंह कौशल, श्याम सिंह डटवालिया, जिला परिषद सदस्य राजेश कुमार, उपाध्यक्ष राजेंद्र डटवालिया, कटवाल पंचायत प्रधान सुरेश सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। निश्चित तौर पर सरकार आने के बाद लोगों की समस्याओं को जानकर और विकासात्मक कार्य को जानने के लिए लोगों से मिलने का जो एक अवसर है वो आज मिला है और जो जो काम आए हैं उनको अगले कुछ दिनों में करवाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। आज केवल कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम था, बड़सर मंडल की बैठक थी और इससे पहले हमने कुटलैड़ मंडल की बैठक की, गगरेट मंडल की बैठक की है और इसके बाद अब हमीरपुर के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं।